हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस, और इनका आयुर्वेदिक रहता है सिरापीडी का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी शालक्य की और एनटी की प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। तो क्या है एपिस्क्लेराइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिस्क्लेरा, ठीक है। इसका कोज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमए कुछ भी नहीं लिखना है एपिस्क्लेराइटिस में, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा इम्यूनिटी रहती है। तो ये कब इसका कोज रहेगा? बेसिकली सोरेसिस में हर्पिस हो और सिफिलिस हो तब ही ये क्या होता है एपिस्क्लेराइटिस होता है। सोरेसिस, हर्पिस और सिफिलिस। सिम्टम्स इसके रेडनेस मिलेगी, वहां पे आपको आइटिस है तो सारे स्वेलिंग वाले मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन, फॉरन बॉडी सेंसेशन, फोटोफोबिया और एपिफोरा। एपिफोरा इज वॉटरिंग ऑफ आइज, ठीक है। टाइप्स इसके एक सिंपल होगा, एक नोडुलर होता है। एक सिंपल में क्या आएगा, सेक्टोरियल इन्फ्लामेशन होता है, एक पार्ट में रहेगा। और नोडुलर जो होते हैं वो पिंक और पर्पल कलर के नोड्यूल होते हैं लिम्बस के पास, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट नसेड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको यूज करना है और कोल्ड कंप्रेस यूज करना है, ठीक है। और अब आता है स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस क्या है बेसिकली, ये आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। स्क्लेराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है मैं उसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ जिसमें सीरा जाला और सीरा पीड़ी का बताइए। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आप चेक करना, ठीक है। इसके भी कोज इंपॉर्टेंट है, आरए से, हर्पिस से, सिफिलिस से और टीबी से। जो स्क्लेराइटिस होती है एक होती है एंटीरियर की, एक होगी पोस्टीरियर की। अब जो एंटीरियर होता है ना उसके अंदर भी 2 बातें आते हैं, एक आएगा नॉन नेक्रोटाइजिंग, एक आएगा नेक्रोटाइजिंग। नॉन नेक्रोटाइजिंग में आता है डिफ्यूज और नोडुलर, ठीक है। और जो नेक्रोटाइजिंग होगा वो आपका क्या होता है इन्फ्लामेशन और विदाउट इन्फ्लामेशन, ठीक है। एंटीरियर में आपका आएगा नेक्रोटाइजिंग और नॉन नेक्रोटाइजिंग। नेक्रोटाइजिंग में डिफ्यूज और नोडुलर, नहीं, नॉन नेक्रोटाइजिंग में डिफ्यूज और नोडुलर, और नेक्रोटाइजिंग में आपका विद इन्फ्लामेशन और विदाउट इन्फ्लामेशन आता है। इसमें सिम्टम आपको पेन मिलेगा, रेडनेस मिलती है, फोटोफोबिया, ये सारे सिंपल आएंगे। डिफ्यूज अगर है तो आपको रेज्ड मिलेगा और सेलमन पिंक कलर से लेके पर्पल कलर को आपको मिलेगा ये, क्या नॉन नेक्रोटाइजिंग वाले का डिफ्यूज। नोडुलर में नोड्यूल मिलेगा नियर लिम्बस, विद इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन आपको मिलेगी, इतनी पतली सी होगी ट्रांसपेरेंट। विदाउट में आपको येलोइश पैच मिलेगा और डेड व्हाइट इन कलर होता है और लार्ज पंच आउट एरिया ऑफ स्क्लेरा यूवियल टिश्यू विजिबल होता है। पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस क्या होता है? पोस्टीरियर के अंदर आपके पास आता है आरडी, दैट इज रेटिनल डिस्टैचमेंट, और एमी इन मैकुलर एडिमा मिलता है, ठीक है जी। एंटीरियर था, अब पोस्टीरियर में आपका आरडी आता है और एमई आता है, रेटिनल डिटैचमेंट और मैकुलर एडिमा रहता है। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि आपको स्टीरोइड यूज करने हैं। तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जिस भी स्टूडेंट को मेरी 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, पीजी की प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। माय टेलीग्राम ग्रुप इज बीएमएस लेक्चर 17, और आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे जीमेल कर सकते हो। माय जीमेल आईडी इज bmslectures910@gmail.com। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।